हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, फिलहाल भाई अभी सो के उठ चुका हूँ मैं, और भाई सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है भाई सर में, लेकिन दर्द हो रहा है भयंकर वाला। नाक बंद है, गले में खराश हो रही है, डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। बाकी भाई आज है भाई ओम का भाई पहला प्री बोर्ड, पहला नहीं भाई साहब दूसरा प्री बोर्ड, मतलब पहले प्री बोर्ड में तो भाई ये फेल हो गया मैथ्स में, अब है दूसरा प्री बोर्ड। और भाई यहाँ पे अपनी प्रेस गर्म हो जाए, क्योंकि घर में लाइट ही नहीं है और इसके कपड़ों में प्रेस करनी है, तो ये प्रेस को ऐसे गर्म कर रहा है गैस के ऊपर, और फिर अपनी पैंट में और शर्ट में मार रहा है। वाह भाई, पढ़ाई कर ली? नहीं भाई यार, अब मत बोला सर। नहीं यार, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मार मार के। नहीं कर पाया सिस्टम में। ऐसे हो रही है प्रेस, ये है देसी जुगाड़। तो दूसरे प्री बोर्ड का ओम का आज पहला एग्जाम है SST का, तो देखते क्या करता है बाकी आज ही। बाकी भाई मुझे तो हो चुका है जुकाम खतरनाक वाला, आज रेस्ट करूंगा भाई। आओ शादी जी हुंदी बिलो साडे आउण ते, बस मौत ही मिले सानू हाथ पाउण ते, उतां हो जन्नत विच जारी कीता सरकार, लाई पाबंदी होई आ साडे वांगू जाउण ते, तू हाथ केड़ा पाऊ बिलो मेरी जान नू। भाई भाई सर लगा सर, तू बस एक बारी आके खड़ जात नाली, सज्जे खब्बे छे हुंदे डब नाली, गाइस अभी वेट कर रहे भाई ओम की बस का, और भाई ओम ने भाई साहब इतनी ठंड हो रही है, इतना कोहरा लगा हुआ है सामने, और भाई साहब ओम ने इसके अंदर कुछ नहीं पहना है भाई, बेटा गरम खून है, गरम खून नहीं भाई, बीमार पड़ जाएगा भाई, पड़ती आग की अंगारे पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार जो छूता है वो भसम हो जाता है, भसम। कुछ तो पहनता, इनर तो पहन लेता बेटा, अपन का जो तेज है ना, तेज वो तेज ही ऐसा है ना, बैक बेंचर। हमारे अंकित भाई आ चुके हैं। अंकित भाई इसका एग्जाम है आज, तो प्री बोर्ड है इसका, कुछ बोलना चाहोगे, कुछ ज्ञान देना चाहोगे? देखो जो भी पेपर आया उसे सही से पढ़ना, पढ़ना, पढ़ने के बाद हाँ आराम से तसल्ली से उस क्वेश्चन का आंसर लिखना, हाँ कोई जल्दबाजी नहीं, हाँ कोई कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल कूल माइंड हो गए, कूल माइंड करना है ना। और इसने अंदर से कुछ कपड़े नहीं पहने ठंड में, देखो आप ये भाई, ये फेफड़ों में लग गई, बड़ा दर्द है मेरे। क्या कह रहा है, गर्म खून कह रहा है, अब इतने लिप्स पिंक हो रहे हैं, पिंक लिप्स, पिंक की हो रहे, बताओ आप लिप्स पिंक की हो रहे हैं, ये पिंक की वजह से हो रहे हैं, आज मैडम इन्हें दंगी चुम्मी। भाई सामने आ चुकी है ओम की बस भाई, ऑल द बेस्ट ओम भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई। फिलहाल भाई अभी तो भाई ओम चले गया अपने स्कूल, अपना पहला प्री बोर्ड नहीं दूसरे प्री बोर्ड का पहला एग्जाम देने के लिए, और चुलबुल अभी मस्त आ गया है घूम फिर के सुबह सुबह, चुलबुल चुलबुल चुल्लू ओ चुल्लू चुल्लू, ऊपर देखो, ऊपर देखो, नो ऊपर। तो भाई अभी जाते बाथरूम में फटाफट से नहा धो के मिलते हैं आपसे। नानी इज इन द हाउस, नानी प्रणाम। नानी पता है ठंडे पानी से नहा के आ रहा हूँ, चिल्ड पानी से नहा रहा हूँ, चिल्ड पानी से बदन में ना हड्डियों में दर्द घुस जाएगा। और यहाँ पे आ चुके हमारे क्रिस हेम्सवर्थ,
ये देखो भाई मामा तो गाइस अभी तो पहुंच चुके हैं बैंक में, कुछ काम है अपना तो फटाफट से काम करा लेते भाई। गाइस अभी तो आ चुका हूँ भाई अपना बैंक का काम करके। बेसिकली गाइस मेरे जो बैंक अकाउंट है उसकी चेकबुक मैंने इशू कराई थी ऑलमोस्ट 20 दिन पहले, तो वो चेकबुक नहीं आई थी। तो आज मैं बैंक में आया और मैंने चेक करा, मैंने बोला कि भाई मेरी चेकबुक अभी तक नहीं आई है, तो मेरी चेकबुक अभी तक इशू ही नहीं हुई थी भाई। तो मैंने आज दोबारा फिर से फॉर्म भरा, अब फॉर्म वॉर्म भर के अब ऑलमोस्ट ये कि हफ्ते भर में मेरी चेकबुक आ जाएगी। तो अभी चलते फिलहाल मनीष सर, लेट्स गो। चलो यहाँ पे हम खा रहे हैं मस्त अपने नाचोस। भाई आ चुका है अपने स्कूल से एग्जाम दे के भाई, बहुत गंदा सीन हो गया यार। क्यों? पेपर बढ़िया जा रहा था, बिना पढ़े भी फोड़ रहा था मैं, लेकिन फिर बीच पेपर में ही देखो पोटी आ गई। पोटी? हाँ, एक तो ठंड इतनी हो रही है और मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया एक बार नींद भगाने के लिए, तो क्या हुआ पूरा शरीर कप कप आ गया। और जब रोंगटे खड़े होते हैं ना और जब बाल खड़े हो जाते हैं हर जगह के, तो पोटी आ जाती, प्रेशर नहीं बनता, ठंड में प्रेशर नहीं बनता एकदम। मैं बैठा था वहाँ एकदम ठंडी कुर्सी, वहाँ मेरे को बन गया प्रेशर गुड़ 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 हो गई, ठीक है। और भयंकर एक बार रुकी पोटी, दो बार रुकी, तीन बार रुकी, चार कर रहा हूँ पेपर भी लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे करके रोक रहा हूँ और बिल्कुल पेपर करने का मन हट गया पूरा एकदम, हेडडोंग लेट गया ऐसा, पेट में दर्द हो गया। लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा था स्कूल में, क्योंकि स्कूल में क्या है आपको पता ही है कैसे होते हैं वॉशरूम है ना। लेकिन फिर मेरे को सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ गया बाथरूम में और मैंने पोटी कर दी बाथरूम में और हाथ भी धोए थे ना। मतलब पेपर मिस हो गया? मिस हो गया है? मिस हो गया मतलब आधे से थोड़ा कम मिस हो गया। पापा पेपर कैसा हुआ? पापा कलेश हो गया, इसने अपना पेपर छोड़ दिया। नहीं यार। और क्यों छोड़ा बताओ? मेरे को पोटी आ गई बीच पेपर में। पापा इसने बहुत नाम रोशन कर दिया है आज, इसने अपना पेपर छोड़ दिया। क्यों? इसको बीच एग्जाम में पोटी आ गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, शारीरिक प्रॉब्लम है। तो सुबह करके क्यों नहीं गया? सुबह करके नहीं गया ना, क्योंकि सुबह लेट हो गया था और मेरे को और खा के भी कुछ नहीं गया था, खाली पेट गया था और तब भी आ गया और इतनी आई भयंकर। इसे कहते हैं एग्जाम में हक क्या था। स्कूल में करना नहीं चाह रहा था, हिंदी सीट होती है भयंकर और मग्गे से करना पड़ता है सब कुछ, लेकिन फिर मेरे को आखिर में जाना पड़ गया और तब गंदा पेट दर्द हुआ ना, इतना गंदा पूरा पेपर जो कर रहा था वो बेकार हो गया। बेटा बहाने तो बहुत है, बहाने नहीं दिखा पूछवा दू उस बात स्वयं के सामने गया था पॉडी करने है और उसको दिखाई भी थी। और कितने, और कितने देर में आया फिर? और दिखाई भी इसको ये करी करके देख भी लिया उसने उल्टी कर दी भाई छिछी। वो मैंने उससे बोला कि मैं करके आया हूँ तो दूर भाग रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं तू मजाक कर रहा है। मैं उसको लेके गया क्योंकि फ्लश तो होता नहीं हिंदी सीट में ना, तो वो इतना टेला जो है तूने तो कितने घंटे बॉडी करी? आधा घंटा? आधा घंटा लग गया आराम से। बाथरूम से बच्चे जो आ रहे छोटे छोटे आया वो भाग के आवाज़ पापा इसे कहते हैं एग्जाम में हक के आना। पापा आज एग्जाम में असली में हक के आ गया गाइस, वो भी पूरा 5 किलो। तो भाई यहाँ पे आ चुका अपना PR4 और यहाँ पे आ चुके दो कॉम्पिटिटर्स मामा और मनीष सर, और यहाँ पे चल रहा है अपना गेम Tekken 7। तो भाई Tekken 7 खेलने वाले हैं, देखते कौन जीतता है कौन नहीं, ठीक है भाई? गेट रेडी फॉर द बैटल। तो भाई बहुत तगड़ा होने वाला है यहाँ पे, जो भी होने वाला है देखते कौन जीतता है कौन हारता है। लॉ वर्सेस पॉल। लॉ है मनीष सर का, नहीं लॉ किसका है? लॉ किसका है? लॉ मामा का है और पॉल है मनीष सर का। ये गेट रेडी। चलो भाई बहुत टाइम बाद खेल रहे PS4। चलो भाई 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। ये ओ भाई ओ ओ ओ ओ ओ तेरी ये वाह वाह कम ऑन कम ऑन कम ऑन ओ भाई साहब भूसा भरा है भूसा भूसा ओ तेरी ओए ओ ओ ओ ओ तो भाई सांपने से आ रहा है ओम, मस्त जॉगिंग करते करते रात के 9 बजे भाई जॉगिंग कर रहा है देखो जिम से आकर। वाह यार साहब क्या भाई मोटिवेशन। अबे ओए रुक जा
आ जा देख के अनदेखा करते हुए चुपचाप निकल रहे हैं। कुछ खाएगा अड्डे बड्डे हैगा है? अड्डे हैगा अड्डे यार खिलाओ यार पक्का हाँ। चले अड्डे हारे चलो चल। फ्री फंड के अड्डे नहीं मिलते हैं ठीक है। पैसे वैसे है नहीं है भाई? नहीं नहीं है पैसे तो कहाँ से अंडे खाने चलोगे हैं बता अड्डे हारे। ये देखो पैसे नहीं है ना बोल रहे थे ये देखो पैसा है तो बड़ी 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 बात है। पैसा देखा कभी इतना पैसा एक साथ 200 का नोट देखा कभी 50 का नोट तूने देखा है पहले बता ये किसका मार के लेके आया है? ये पॉकेट मारी थी पॉकेट पॉकेट मार पॉकेट मार। तो गाइस अभी चलते हैं खाते हैं अड्डे बड्डे। चलो भाई चलो भाई सर चलो। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हमारे बस्त गरबा गरब अड्डे। तो भाई अड्डे है गए अड्डे अड्डे भाई मैं बताया बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दांत बहुत दूर रखी है। क्या हो गया संडे हो या मंडे अड्डे अड्डे अरे जोर से बोलो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। यस है ट्यूसडे को छोड़ दे भाई यहाँ पे ओप खा रहे अड्डे भाई साहब। पहला प्री बोर्ड है ठीक है भाई मतलब दूसरा प्री बोर्ड का पहला एग्जाम था जो कि आज इसने पूरा खराब कर दिया है और उसी की खुशी में खा रहे हैं ये अड्डे बहुत सारे अड्डे खाओ रे अड्डे। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर का जो है देखते हैं क्या सीन चल रहा है ठीक है। ये है पापा देखो गाइस पापा जो है हिसाब कर रहे हैं महीने का हिसाब हो रहा है देखो भाई एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है यहाँ पर ठीक है। तो ऐसे एक एक पैसा जोड़ के चलना होता है गाइस है ना और ऐसे सेविंग्स होती है ठीक है। चलो भाई यहाँ देखते हैं ये देखो भाई मम्मी जो है खाना बना रही हैं और आप खाना बना रहे हो मम्मा? हाँ जी। तो खाने में क्या है आज? फ्राइड राइस आपके लिए रखा हुआ है देखो जरा मेरे को भी थोड़ा सा दे देना फ्राइड राइस ठीक है। तो चलो भाई मेरा तो खाना मम्मी ने लगा दिया जो दिन का बचा हुआ था वो मैं खा रहा हूँ। तो ये रहा भाई पूरी हो गई है अपनी और ये कद्दू की सब्जी तो ये खाते हैं और खाकर जो है मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठता हूँ क्योंकि कल मेरा जो है एग्जाम है तो थोड़ा सा पढ़ते हैं ठीक है। बिकॉज आज का एग्जाम तो ऐसे ही चला गया ठीक है मतलब मेरे को बीच पेपर में एकदम प्रेशर आ गया बहुत ही गंदा वाला प्रेशर आ गया जिस वजह से मेरा जो पूरा पेपर है ना उसकी ऐसी की तैसी हो गई मतलब पूरी ऐसी की तैसी हो गई मतलब लोगों का जेन्युइन रीज़न की वजह से पेपर छूटता है कि मैम ने छीन लिया या वो लिख नहीं पाए या फिर उनका कुछ ये हो गया वो हो गया है ना या फिर कोई मतलब स्कूल में कोई दिक्कत हो गई। लेकिन भाई मेरा जो रीज़न है वो लाखों में करोड़ों में एक था कि मुझे बीच पेपर में प्रेशर लगा है और इतना तगड़ा प्रेशर लगा है ना ऐसा प्रेशर मेरे को कभी नहीं लगा क्योंकि मैंने 45 मिनट तक रोकने की कोशिश करी लेकिन रोकने के बाद भी और नहीं रुकी और मुझे मजबूरी वर्ष 20 मिनट के लिए वॉशरूम में टाइम गुजारना पड़ गया ठीक है। और वॉशरूम भी स्कूल में कैसे होते हैं आप लोगों को पता है। तो भाई मेरे स्ट्रगल के लिए ना एक लाइक कर देना वीडियो को ठीक है। बहुत स्ट्रगल करा है मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है तब भी पैंट में निकल लेनी थी मैंने ठीक है। तो यार मार्क्स तो पता नहीं कैसे आएंगे लेकिन मेरे स्ट्रगल के लिए ना एक लाइक करना जो मैंने स्ट्रगल करा भाई एग्जाम हॉल में ठीक है। तो भाई को आराम करने देते हैं और अभी हम खाना खाएंगे। तो बस गाइस अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आया तो चैनल पे स्माइल आई अपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह टिल देन गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन कल सुबह तैयार ना टिल देन बाय बाय।